बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटमंदो के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेटमंदो। दोस्तों, तो गल जैसे कि आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा ईद के मौके पर मेला सजने वाला है, तो जनाब वो मेला सज गया है। तो बिडानी जूनियर क्रिकेट क्लब जनाब शुरू हो चुका है, तो इस वक्त जनाब बहुत सी टीमें खेल रही हैं, खेल रहेंगी और इसी तरह कुछ हार रहे हैं, कुछ जीत रहे हैं। जी नाज़रीन किराम, हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब पिच पर और हमारे साथ एक टीम मौजूद है, देरेवाल क्रिकेट क्लब हमारे साथ एक टीम मौजूद है जनाब। उन्होंने मैच खेला है और बड़े ही बेहतरी के साथ मैच खेला है। आइए इनसे पूछते हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं कि उन्होंने मैच जीता है या हारा है और आज ईद का दूसरा दिन इनको कैसे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नाम बता दीजिए। आसिफ। आसिफ, चलो आसिफ भाई अपनी टीम का पहले नाम बताइए, यानी टीम का नाम है डेरेवाल क्रिकेट। जी डेरेवाल क्रिकेट क्लब आज हमारे साथ, आपने मैच खेला है? मैच खेला है जी। हारा है या जीता है? पहला मैच था, हार गया। बहुत ही शिद्दत की गर्मी के अंदर फिर भी जनाब जुनून, जज्बा, शौक, लगन और तमाम देख सकते हैं, इतने नाजरीन, इतने लोग आए हैं। बिडानी क्रिकेट क्लब जूनियर के मैच का दूसरा दिन जारी है और लोग जोशो खरोश से आज मैच का इंतजार कर रहे हैं। टीमें आ रही हैं और मैच खेल रही हैं, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह आपको मुकम्मल माहौल दिखाते रहेंगे। जी नाज़रीन किराम, हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम बिडानी साहब मौजूद हैं और लोगों से जाकर दिलचस्प सवाल करेंगे क्रिकेट के बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो नाज़रीन किराम, मैं हवाले करता हूँ अब्दुल क़य्यूम बिडानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, पिशावर, मुजफ्फरगढ़, सियालकोट, मुल्तान, पूरा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। बिल्कुल जनाब, आप जानते हैं कि क्रिकेट का टूर्नामेंट सज चुका है, यहाँ पर शैकीन क्रिकेट मौजूद हैं बड़े अच्छे अंदाज के साथ, अच्छे मयार के साथ, और यहाँ जनाब यहाँ पर जो है ना वो मैच का सिलसिला जारी और सारी है। आप ये मैदान देख सकते हैं, एक शैकीन क्रिकेट हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो ये बताइए, यहाँ पर आए हैं कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ये बताइए, गर्मी का मौसम भी चल रहा है तो क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? नहीं, ये जनून है क्रिकेट का, गर्मी नहीं लगती। अच्छा, नहीं लगती। क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम सुनने वालों? बस पैगाम ये देना चाहते हैं कि क्रिकेट एक बहुत अच्छा खेल है जी, इसको उजागर रखना चाहिए, उजागर करना चाहिए। जनाब यहाँ पर जो है ना वो सारे क्रिकेट शकीन क्रिकेट मौजूद हैं और यहाँ पर कमेटी मेंबरान भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर सिलसिला सीन है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जनाब दो टीमें हैं, इनका टॉस भी होगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं और यहाँ पर जो सिलसिला सीन हमारा चल रहा है। तो जनाब हम जो है ना एक साइड चलते हैं और लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, ख़ास तौर पर मेरे कैमरामैन आपको फरहान दिखा सकेंगे। यहाँ पर जो है जनाब ये दाख्त का पूरा निज़ाम है, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और बड़े अच्छे अंदाज के साथ, क्योंकि जनाब ईद का जो दूसरा दिन है, वो ईद का जब दूसरा दिन आता है तो जनाब हर कोई खूब इंजॉयमेंट करता है, मौज मस्ती करता है, हल्ला गुल्ला करता है। तो आइए हम चलते हैं, मैं फरहान को कहूँगा कि जनाब ये सारी सूरत हाल दिखा सके आपको, क्योंकि जनाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, पिशावर, मुजफ्फरगढ़, सियालकोट, मुल्तान, पूरा पाकिस्तान, या इसके अलावा जनाब मेरी आवाज़ मकानों में, कस्बों में, ज़िलों में, देहातों में, शहरों में, उठते बैठते चलते फिरते जहाँ तक आवाज़ सुनी जा रही, सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जनाब अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, इसमें कोई घबराहट की बात नहीं होती, बल्कि आप कोई भी इंटरव्यू दे सकते हैं। कोई आप में से कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयार है? जल्दी फौरन बेटा आ जाएं, शाबाश, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, कुछ नहीं होता। हाँ, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसा कोई दसेस हो तो मैदान देते आए वो तो गर्मी में महसूस थी नहीं पी उसी, क्या आप आखना चाहते हैं वही वक्त है? खान बिडानी उंदा काम हा इथा पानी दा बालटा बी कोई चीज को ना लगे साकू तो टीमा सडवा पता किथो किथो करे सा आए खणो बिली पानी दा निजाम ओसी ओ जी खिलाड़ी जरा एक टुर देन ओ थक वेनन। अच्छा जनाब, इनकी आप बातें सुन रहे थे, वो कहते हैं कि जनाब यहां पर जो खिलाड़ी हैं।